नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सस्पिशियस मिस्ट्रीज पर स्वागत है। विज्ञान आज हर नामुमकिन दिखने वाली चीज को मुमकिन कर रहा है। विज्ञान की उन्नति का अनुमान इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मृत व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है। विज्ञान इस बात का दावा तो नहीं करता, लेकिन दोस्तों इस पर खोज जारी है। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेड बॉडीज को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है, इस आशा में कि एक दिन विज्ञान उन्हें जीवित करने में सक्षम होगा। यूके की एक 14 वर्ष की कैंसर से पीड़ित लड़की ने अपने शरीर को फ्रीज करने की अपील की, इसी आशा में कि वह एक दिन दोबारा जीवित हो जाएगी। वह अक्टूबर 2016 में मर गई और उसका शरीर यूएसए में फ्रीज कर प्रिजर्व किया गया है। क्रायोनिक्स के लिए 4 प्रयोगशालाएं हैं, 3 यूएस में व 1 रशिया में, और एक शरीर को प्रिजर्व करने के लिए 37,000 यूरो लगते हैं। यूएसए में एल्कर एक संस्था है जो क्रायोनिक्स पर काम करती है और वह 1972 में स्थापित हुई थी। यह प्रक्रिया निम्न 5 स्टेप्स में होती है। पहली, इंसान के मरने के तुरंत बाद ही दिमागी सेल्स को बचाने के लिए यह प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाती है। दूसरी, शरीर में से खून निकालकर उसकी जगह ऑर्गन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन डाला जाता है। तीसरी, ब्लड वेसल्स में एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जाता है जिससे कि शरीर के अंदर आइस क्रिस्टल्स ना बने। चौथी, शरीर को -130 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। पांचवी, अंत में शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1922 में अलेक्जेंडर यारोस्लावस्की ने की थी और 1955 में जेम्स लेवलॉक एक चूहे को दोबारा जीवित करने में सक्षम हुए थे। डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से फ्रीज कर प्रिजर्व किया गया था। तो दोस्तों, भले ही ये सोचने में अजीब लगता हो, लेकिन यह विज्ञान का एक सच है।